अरे संभल के। आवाज तो मंजरे। तो हमारा दिमाग में पड़ गया है। अरे उनको तो हम अपना हाथ से कबूल करते कि हमने आपसे सच छुपाया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे नफरत है झूठ से और झूठ बोलने वालों से। समझती क्या खुद को? जब चाहे झूठ बोलेगी, जब चाहे सॉरी बोलेगी, और मैं बस बात करने लगूंगा। क्या हो गया मुझको? क्यों पागलपन कर रहा है? जो बोलना है उसे नीचे आके बोल क्यों नहीं देता? क्या बोलेगा उसे? हाँ, तुझसे कुछ बोला तो जाएगा नहीं। रहने दो सिद्धू, तुझे क्या? झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए उसे। कौन? योग भैया। हाँ योग भैया, घर में कोई है नहीं इसलिए हम आपसे बोलने आए हैं। वो गौरी भौजे की बहन है ना, जो कल सगाई में भी आई थी, वो नीचे खड़ी है। बहुत तेज धूप है, बगल में पानी भी रखा था पर वो पी नहीं रही है। योग भैया वो बेहोश हो जाएगी। योग भैया We'll be right back.
हिम्मत रख काली, तुझे मना नहीं है युग को, तूने बहुत गलत किया युग के साथ, हिम्मत रख। ठीक हो? चुपचाप पियो, ड्रामा मत करो। के चिड़िया जैसे घुट मार रही हो, ठीक से भी हो, यू आर डिहाइड्रेटेड। ये मैं समझना कि तुम्हारे इस इमोशनल ब्लैकमेल का मुझ पे भी असर होगा, मुझे सब पता है कि तुम नाटक करने में कितने उस्ताद हो। क्यों, प्लीज ट्रस्ट मी, झूठ बोलना कोई मकसद नहीं था। मकसद चाहे जो भी रहा हो, तुमने जो किया है वो माफी लायक बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, हम भीख मांगते? तुम झूठ बोल के ऑलरेडी अपने आप को बहुत गिरा चुकी हो, अब ये भीख मांग के और मत गिराओ। क्यों, गौरी की जिंदगी का सवाल है। जिंदगियों से खेलने की आदत तुम्हारी है, मेरी नहीं। और रही बात गौरी की, तो शादी तो मैं करूंगा, कमिट किया है, करनी तो पड़ेगी ना। पर इस शादी का फ्यूचर क्या होगा ये मुझे नहीं पता। राम जी प्लीज मदद कीजिए, अगर युग को हम नहीं मना पाए तो पता नहीं गौरी क्या करेगी। मंजी माँ क्यों छोड़कर चली गई आप इस घर को? आज आप होती तो इतने संकट नहीं आते इस घर पे। लौट आइए मंजी माँ, आप तो राम जी के फेवरेट हैं, उनसे कहिए ना कि वापस भेज दें आपको। अरे पेपर पढ़ के पापा को दे देते, चाय के साथ ना मिले तो मूड खराब हो जाता है।
कली, आपको पता है हमारा ये कंगन हमारे लिए बहुत खास है। आपके बड़के पापा ने शादी के बाद हमें ये पहला तोहफा दिया था। और ये ऐसा वैसा डिजाइन नहीं है, ये देखो इस पे क्या लिखा है, वी एम। सुंदर है ना? मंची माँ, ये तो मंची माँ है। इसका मतलब उस दिन हमें जो आभास हुआ था वो सही था। मंची माँ जिंदा है। हे राम जी, ये कैसा चमत्कार है! हम कोई सपना तो नहीं देख रहे ना? ये सपना नहीं हो सकता। पेपर के हिसाब से ये फोटो कल ही ली गई है मंदिर में। अरे ऐसा का देख ली है ये लड़की, जो पीटी उषा का तरह दौड़ लगा रही है। चींटी का पर निकल आया है का? ऐ मसलना पड़ेगा। ये कल्याणी आखिर मंदिर में क्या बात कर रही थी? फिर हमको देखकर एकदम खिसिया सी गई थी। हमरी पीठ पीछे कोनो खेल तो नहीं खेल रही विश्ववीर झा? माँ, माँ बधाई हो। का हुआ रे? हमारी कंपनी लीला आयुर्वेदा को अवार्ड मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। आज पिताजी का सपना साकार हो गया, हमारी कंपनी टॉप पर है। श्री राम जी, शंकर महादेव, रघु के बापू, सुने हो? बधाई, अभी तो बहू आई भी नहीं है घर में, बस सगाई हुई और खुशी की खबर भी आ गई। पता नहीं मंदिर में वो कल्याणी का आधा अधूरा बात सुन के काहे शंका मन में डर ली। बहुत अच्छी लड़की चुने हैं आप, बहुत अच्छी। कृपा बनाए रखना प्रभु। पंडित जी, क्या इस तरह की दिखती हुई महिला यहाँ आई थी? ये तो हाथ से बनाया हुआ तस्वीर है। ऐसे हाथ से बनाए हुए तस्वीर से कोई किसी को कैसे पहचान सकता है? और ऐसी वेशभूषा, ऐसा पहनावा वाली औरों तो इधर देखे ही नहीं। पंडित जी प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। पंडित जी ये देखिए, कोई तो होगी जिसने इस तरह की कंगन पहनी हो। गौर से देखिए पंडित जी, ये हमारे जीवन मरण का सवाल है, प्लीज। क्षमा करना बिटिया, हमको कुछ याद नहीं आ रहा। जैसे ही हमको कुछ भी याद आएगा हम तुमको जरूर बताएंगे।
थैंक यू पंडित जी। राम जी, हमारा दिल कहता है कि मंजी माँ जिंदा है और ये तस्वीर उनकी है। अब बस हमें उनसे मिलवाने की कृपा करिए। किस्मत पहले ही बहुत आग में चोली खेल चुकी है हमारे साथ। अरे ऐसा कहा हो गया जो बौरा के मंदिर आ गई और ये का है, है? जरा हम भी तो देखें का लिखी हो प्रेम पत्र में अपना राम जी को। ये का है? पुरुष बलहीन नहीं होते, समय होत बलवान। भीलन हर लीनी गोपिका, वही अर्जुन वही पांड। शानदार जबरदस्त, हम ऐसे दोहावली। आपकी ही भाषा में बोल रहे हैं ताई जी। इंसान अपने वक्त का गुलाम होता है, समय अच्छा हो तो खोटा सिक्का भी लाखों में चल जाता है और अगर बुरा हो तो अर्जुन जैसे धनुधर से भी हार जाता है। ओहो, का कहने का कोशिश कर रही हो? हमारा अच्छा समय समाप्त हो गया है, आपका बुरा वक्त शुरू होने को है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। का समझती हो, मैं गौरी को बचा लूंगी? अरे सच में खुद को काला टीका समझी हो का? नहीं, हम जानते हैं कि हम कोई काला टीका नहीं है। अंधविश्वास पर हमें कोई विश्वास नहीं है। हम गौरी को बचाएंगे क्योंकि वो हमारी बहन है, हमारी सबसे अच्छी दोस्त है और हम ये कर पाएंगे क्योंकि हमारे साथ सच की ताकत है। कश्मकश तो तब होती है युग जब दिल और दिमाग दोनों अलग अलग रास्ते जाएं। और हमारा तजुर्बा ये कहता है
आपकी दिल की बात सुननी चाहिए। और हमें पता है आपका दिल भी यही कह रहा है कि आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। और युग, अब तो वो सॉरी भी बोल चुकी हैं। उन्होंने आपको सब बात सच बता दी है और अब तो उन्हें पश्चाताप भी हो रहा है। और वो क्या कर सकती हैं? और दोस्ती एक बहुत ही स्पेशल रिश्ता होता है युग, उसे इन गलत फहमियों की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए। आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए युग।